Hello everyone, this is Sprinkle Sony. Welcome to our channel. Channel is FIM Adventure. I hope आप already like, subscribe और share कर चुके हैं हमारे channel को, ठीक है ना? Well, पहले भी काफ़ी सारे videos हम लोग chemical bonding पे बना चुके हैं. आज हमारा ये 15th video chemical bonding पे है, which is a very important video, ठीक है? Last videos में मैंने आप लोगों से जो discuss किया था, that was hybridization theory and VSEPR theory. Hybridization theory and VSEPR theory काफ़ी important topics हैं वैसे chemical bonding के. सिर्फ chemical bonding ही नहीं, यानी इससे directly आपको क्वेश्चन ना भी आए तो भी पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स की ही मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल या स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? और एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. बेसिकली आपको ये टॉपिक किसी भी बुक में ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे टॉपिक्स में ये बहुत बिखरा हुआ मिलेगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं. लाइक नीट बोलें, आप जेई मेन बोलें, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बॉन्ड एंगल के ऊपर पूछे जाते हैं. आज जो टॉपिक मैं यहाँ पे डील करूँगी वो है बॉन्ड एंगल. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल. बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करने वाले, हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि बॉन्ड एंगल किसकी कम या किसकी ज़्यादा होती है, यानी क्वालिटेटिवली आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मान लीजिए आपको दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मान के चलिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास मीथेन दिया हुआ है और अमोनिया दिया हुआ है. मैं आपको पूछूंगी कि बताइए किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है? सो मैं बोलूँगी कि भाई मीथेन का जो है बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, अमोनिया के कंपेरिजन में. अब मैंने ये कैसे फिगर आउट किया, तो मेरे पास ऐसे चार टूल्स हैं, मेरे पास ऐसे चार पॉइंट्स हैं जिनसे कि मैं किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, मतलब किन्हीं दो या तीन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर कर सकती हूँ कि किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने वाला है और किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम होने वाला है, ठीक है? सो देखते हैं, शुरू करते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर द रूल्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली मैं यहाँ पे आपको निकालना सिखाने वाली हूँ किनका, बॉन्ड एंगल्स का, ठीक है? सो शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स से. हमारे पास चार पॉइंट्स, मैं इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे चार पॉइंट्स बताने वाली हूँ, और उन चार पॉइंट्स की मदद से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा के देने वाली हूँ, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसमें से ऑलमोस्ट इन चार पॉइंट की मदद से आपसे मान के चलिए 90-95% क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं, ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द 5% क्यों नहीं बनेंगे भाई, मैं 100% क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यार दोस्तों ये केमिस्ट्री है, इट इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस. तो वो जो 5% की मैं बात कर रही हूँ, दे कम अंडर एक्सेप्शंस, राइट? सो वो एक्सेप्शनल ऑर्डर्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताऊंगी, और बाकी जो है वो तो आपसे वो चार पॉइंट्स की मदद से बन जाएंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे चार पॉइंट्स की बात करते हैं. ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं जिनकी मदद से हम डिसाइड कर पाएंगे बॉन्ड एंगल्स किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा है और किस मॉलिक्यूल का कम है, ठीक है? सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन. जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल डिसाइड करते हैं, सो हम सबसे पहले बात करते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन की. अब हाइब्रिडाइजेशन भी किसका, तो भाई सेंट्रल एलिमेंट का. याद रखें, हमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन देखना है किसका, सेंट्रल एलिमेंट का. सो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं, देन आइडेंटिफाई सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट. सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम का आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करें, ठीक है? जिसमें sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, एवरीवन नोज दैट, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 180, सबसे ज़्यादा होता है. इस तरीके से बॉन्ड हमारे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, 180 होती है उसकी बॉन्ड एंगल, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आप सभी जानते हैं, प्लेनर होती है. इस तरीके से एक प्लेन के अलोंग तीन बॉन्ड, 1, 2, 3 बॉन्ड यूँ निकल के आते हैं. काफ़ी अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो में, ठीक है? आप सर्च करें, टाइप करें पार्ट नंबर 13 केमिकल बॉन्डिंग FIM एडवेंचर, यू विल गेट दैट वीडियो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो आप देखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 120 के मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, 180, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120. इसके बाद अगर बात करूँ sp3, मान के चलिए
हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है तो ज्योमेट्री होती है इस तरह की टेट्राहेड्रल, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, टेट्राहेड्रॉन बन जाता है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स वहाँ पर आते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास। अगेन आई हैव एक्सप्लेन दिस ज्योमेट्री इन 3D कहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स के एंगल्स के बारे में बात करनी है तो मुझे उसके सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होगी, ठीक है। अगर सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन SP आती है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा विच इज़ 180। अगर उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन SP2 आती है सो द बॉन्ड एंगल विल बी 120। अगर SP3 आती है सो इट विल बी नियरली 109 डिग्रीज के आसपास, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन तो पता कर लिया, मान के चलिए हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एलिमेंट का सेम आ गया, ठीक है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके सेंट्रल एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ गए तो अब क्या क्राइटेरिया होगा जिससे मैं बॉन्ड एंगल्स का कम या ज़्यादा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आइडेंटिफाई कर पाऊँ। नाउ अब क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है, व्हाट इज़ द अनदर क्राइटेरिया। तो हमें एक और चीज़ को डिफाइन करके चलना पड़ेगा, मान के चलिए हाइब्रिडाइजेशन प्लान ए हमारा फेल हो जाता है सो वी शुड हैव अ प्लान बी। तो हमारा जो प्लान बी है, हमारा जो अगला क्राइटेरिया है दैट इज़ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है ना। अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाता है, आप पहले नहीं जाएंगे इस वाले क्राइटेरिया पे, इस वाले क्राइटेरिया को हम बचा के रखेंगे, ठीक है। हम पहले किस क्राइटेरिया की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हम पहले सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हम लोन पेयर्स पे कब जाएंगे, हम लोन पेयर्स की बात तब करेंगे जब हमारे सारे सेंट्रल एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। याद रखें लोन पेयर की बात कब होने वाली है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ठीक है। सो अब लोन पेयर्स कैसे होंगे, तो भाई VSEPR थियोरी हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी। VSEPR थियोरी क्या कहती है कि भाई लोन पेयर रिपल्शन जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। ये चीज़ VSEPR थियोरी कहती है, और ये चीज़ हमने देखी भी थी कि लोन पेयर जितने ज़्यादा हो जाते हैं, जितना ज़्यादा लोन पेयर का रिपल्शन होता है, क्योंकि लोन पेयर यानी क्या चीज़ होती है, लोन पेयर यानी होता है खुला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है टेक्स अ वेरी लार्ज स्पेस, ठीक है। सो जो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो काफ़ी रिपल हो जाएंगे, लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे और हमारे बॉन्ड पेयर रिपल होके सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। सो जो बॉन्ड एंगल है वो काफ़ी सिकुड़ जाता है जब लोन पेयर रिपल्शन होता है। तो सीधी सी बात है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्शन कब होगा, जब लोन पेयर ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मिथेन अमोनिया और पानी के बारे में, इनके बॉन्ड एंगल्स ज्योमेट्री सब बहुत डिटेल में डिस्कस की है। यही एग्जाम्पल आज फिर डिस्कस करने वाली हूँ, थोड़ा वेट करिए, एक बार मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूँ उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे डील करूँगी, ठीक है ना। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ये वाला क्राइटेरिया याद रखें आप, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स उतना ही कम होगा हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन गो फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एलिमेंट के पास ज़्यादा लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोन पेयर भी किसके देख रहे हैं, स्पेसिफाई कर दूँ, नहीं तो आप इधर उधर के देख लेंगे। नहीं, लोन पेयर हमें किसके देखने हैं, लोन पेयर हमें देखने हैं सेंट्रल एटम के, ठीक है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे किसके पास, सेंट्रल एलिमेंट के पास, तो बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, ठीक है। सो थर्ड हम बात कर लें, हम थर्ड क्राइटेरिया की बात कर लें कि भाई हमने पहला क्राइटेरिया तो देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन मान के चलिए सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। उसके बाद मैंने देख लिया लोन पेयर, अब मान के चलिए भाई सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर भी सेम है, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, दोनों मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर कोई थर्ड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये जो थर्ड कंडीशन होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। कौन सी कंडीशन में कह रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, देखते हैं।
क्या है थर्ड क्राइटेरिया. सो थर्ड क्राइटेरिया इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट. सेंट्रल एलिमेंट बोलें या सेंट्रल एटम बोलें, जो भी बोलें, ठीक है ना भाई. ये ऐसा कहता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा. देखते हैं, इसको लिखते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा. इसका रीज़न भी बताऊंगी अभी. सो थर्ड क्राइटेरिया ये हो गया. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें और रीज़न एक्सप्लेन करते हैं. अमोनिया और फॉस्फीन NH3 और PH3 को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है. NH3 सबसे पहले हमें बॉन्ड एंगल अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. हमने शुरू से आपको क्राइटेरियाज बताए हैं, शुरू से हम उसको डील करते हुए चलेंगे, ठीक है. जो जो हमने अभी तक डील किया है, जो जो हमने अब तक सीखा है, तीनों चीज़ें इस पर बात करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हमें बनाना होगा इसका लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है. लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखते हैं इसका सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन. लेविस स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, कुछ इस तरीके का होता है, बहुत डिटेल में सिखाया है, ठीक है ना. लेविस स्ट्रक्चर PH3 का, इसके पास भी एक लोन पेयर होंगे और होंगे तीन बॉन्ड पेयर्स. सो लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद मुझे इसका निकालना पड़ेगा स्टेरिक नंबर, ठीक है ना. मैंने निकाल लिया इसका स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर यानी क्या होता है? स्टेरिक नंबर यानी, देखें पिछले वीडियोस देखें, स्टेरिक नंबर यानी होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है ना. यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करूँ 1, 2, 3, लोन पेयर काउंट करूँ 1. यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1. दोनों का स्टेरिक नंबर आ गया 4. स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? कम ऑन, स्पीक अप. हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका भी और इसका भी. ओ गॉड, पहला क्राइटेरिया क्या था? हाइब्रिडाइजेशन. देखें, देख लिया, क्या आ गया? सेम. पहला क्राइटेरिया हो गया फेल. तो जब पहला क्राइटेरिया फेल हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाते हैं दूसरे वाले पे. दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है नंबर ऑफ लोन पेयर्स. नंबर ऑफ लोन पेयर इसके पास 1, इसके पास भी 1, ठीक है. लोन पेयर भी आ गया सेम. तो मैंने क्या कहा, पहले देखें, पहला क्राइटेरिया फेल हो गया तो जाएं दूसरे क्राइटेरिया पे. फेल हो गया, अब जाएं तीसरे क्राइटेरिया पे. तीसरा क्राइटेरिया क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट. तो भाई सब जानते हैं, नाइट्रोजन आता है ऊपर, फॉस्फरस आता है नीचे. फॉस्फरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. तो क्या कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फरस से. तो जहाँ पर भी सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उधर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. इससे ये तो समझ में आता है कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा किससे? PH3 से. मगरमच्छ का मुंह यहाँ खुलेगा, किसकी तरफ? NH3 की तरफ. पर क्यों? क्राइटेरिया तो जस्टिफाई, मतलब पता तो लग गया कि भाई NH3 का बड़ा होने वाला है, पर क्यों? मैंने कहा था इसका, इस चीज़ का रीज़न इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी. क्यों? इसीलिए क्योंकि भाई सोच कर देखिए, नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की टेंडेंसी. तो नाइट्रोजन, उसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स मतलब कौन से वाले? 1, 2, 3, इन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. तो जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो वो बॉन्ड पेयर्स यूं पास आएंगे और उनमें क्या हो जाएगा? रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा. जब रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? बॉन्ड इस तरीके से दूर चले जाएंगे, बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएंगे, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. यानी ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, ये जब, ये वाले जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये जब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. ये वाला भी बड़ा हो जाएगा, ये वाला भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है. जबकि फॉस्फरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है तो वो बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं करेगा, जिसके कारण उनके बीच में रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा. सो बॉन्ड एंगल इसका जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा, ठीक है. सो ये वाले बॉन्ड का जो एंगल है, HNH बॉन्ड का, ये वाले बॉन्ड का जो एंगल है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो NH3 का एंगल बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में?
PH3 के कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? पहला क्राइटेरिया हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, दूसरा मैंने देखा लोन पेयर वो भी सेम हो गया, तो मैंने क्या देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेंट्रल एलिमेंट की बड़ी होगी तो उसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी है इसीलिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल बड़ा है। दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ फोर्थ क्राइटेरिया की। सो फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है? फोर्थ क्राइटेरिया होता है, देखिए ये थोड़ा मिटा देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग ये लिख चुके होंगे या फिर ठीक है आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ इसको, ठीक है ना। बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की। सो फोर्थ क्राइटेरिया होता है टर्मिनल एटम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट के बारे में हमने ये तीन चीज़ें देखी, सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एलिमेंट का नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ क्राइटेरिया है टर्मिनल एटम के बारे में। टर्मिनल एटम यानी कौन? टर्मिनल एटम यानी ये लोग जो सेंट्रल एलिमेंट को चिपके हुए हैं, बॉन्डेड हैं उनसे, ठीक है ना। सो फोर्थ क्राइटेरिया इज साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, ये ऐसा कहते हैं कि जितना बड़ा टर्मिनल एटम का साइज होगा, ठीक है, साइज ऑफ टर्मिनल एटम अगर बड़ा होगा सो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है ना। क्या कहा? टर्मिनल एटम का साइज अगर बड़ा होगा सो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। बड़ा ही प्यारा एग्जांपल इसके लिए लेती हूँ मैं, क्वेश्चन भी करेंगे काफ़ी सारे। H2O की बात कर लेती हूँ और OCl2 की बात कर लेती हूँ, ठीक है। H2O और OCl2 तो बनाते हैं इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन चिपकेगा। ऑक्सीजन के पास दो सुंदर सुंदर लोन पेयर, अगेन यहाँ पर वही होगा, दो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। विजिबिलिटी वैसे पुराने वीडियोस से हम लोगों ने एनहांस करने की कोशिश की है, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप लोग पॉज करके जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम और कोशिश करेंगे चीज़ों को और अच्छा बनाने की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। वेल मैं वापस आती हूँ अपने एग्जाम्पल्स पे। H2O एंड OCl2 की बात की थी। अगेन मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको स्टार्टिंग से पूरे पॉइंट्स पे वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट जो हमारा वेरिफिकेशन का है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। निकालना सिखाया है, स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर होता है हमारा सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने हैं? एक दो। लोन पेयर कितने? एक दो। सो सिग्मा R2 लोन पेयर R2, स्टेरिक नंबर 4। यहाँ पर भी सिग्मा 2 लोन पेयर 2, स्टेरिक नंबर 4। बोलो हाइब्रिडाइजेशन कितना? इसका भी sp3, इसका भी sp3। पहला पॉइंट हो गया नॉकआउट, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, सो हम बॉन्ड एंगल इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू मूव आउट हमारे अगले वाले पॉइंट पे, और वो क्या है? सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर्स हैं? हमने क्या कहा था? जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। सो लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं, भाई सेम रिपल्शन करेंगे दोनों, ठीक है। सो लोन पेयर भी अब क्राइटेरिया नहीं है। फिर बात करेंगे किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट पे। तो सेंट्रल एलिमेंट देखो, सेंट्रल एलिमेंट भी क्या है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो भाई उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ गई? सेम आ गई दोनों जगह। तो अब अगर सेम आ गई तो फिर मैं उसके ऊपर किसी तरह का पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या देखूंगी? अब मुझे देखने होंगे ये मेरे टर्मिनल एलिमेंट्स, ठीक है। टर्मिनल एलिमेंट यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है टर्मिनल एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। अच्छा, टर्मिनल एटम का मैं क्या देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ साइज। तो एवरीवन नोज हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा, एक ही तो शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है बड़ा, कितने है? 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही में तीन तीन लोन पेयर है भाई, तो इनको खेलने के लिए जगह भी तो लगेगी। सो इनको लगेगी काफ़ी जगह, क्लोरीन लगा दिए बड़े बड़े, सो दे विल रिपल ईच अदर। अब रिपल करेंगे तो क्या होगा? तो बॉन्ड जो है वो रिपल किया, बॉन्ड जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा उसका? काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है कौन सा?
CLOCl वाला ये वाला बॉन्ड एंगल ये काफी इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या रहेगा कंपैरेटिवली स्मॉल रहेगा. तो भाई क्लोरीन का साइज बड़ा है इसीलिए ये वाला बॉन्ड एंगल काफी बड़ा हो जाएगा. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट बॉन्ड एंगल. किसका बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया OCl2 का बड़ा हो गया किससे H2O से. क्यों बड़ा हो गया भाई रीजन लिखो. रीजन क्या है रीजन है थोड़ा लाइट हो गया है मार्कर. रीजन है ड्यू टू व्हाट ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम का बड़ा साइज है इसीलिए उनमें हो गया जबरदस्त रिपल्शन. रिपल्शन हो गया तो क्या हो गया बॉन्ड ओपन हो गया. बॉन्ड ओपन हो गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया. ठीक है ना. सो ये कुछ एग्जांपल्स कराए और भी काफी सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं. चार क्राइटेरियाज एक बार फिर रट लेंगे भाई. पहला हाइब्रिडाइजेशन जिसका sp उसका बॉन्ड एंगल बड़ा जिसका sp2 उसका छोटा 120 sp3 का और छोटा. ठीक है हाइब्रिडाइजेशन सेम है. देन गो फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर्स. लोन पेयर्स ऑफ व्हाट लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एलिमेंट. अगर वो भी सेम है देन गो फॉर द थर्ड वन व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कौन मैं या आप नहीं सेंट्रल एलिमेंट. ठीक है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा. ठीक है उसके बाद साइज देखोगे किसका देखोगे साइज देखोगे टर्मिनल एलिमेंट का. ठीक है तो टर्मिनल एलिमेंट का अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल होगा बड़ा. आई होप चारों चीजें समझ में आई होगी. इन चारों को डील करते हुए करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई होप आप नोट डाउन कर चुके होंगे. ठीक है नहीं किया है तो वापस पीछे जाएं पॉज करें नोट करें. वैसे ही पॉइंट्स आपको किसी बुक में स्पेसिफाइड मिलेंगे नहीं. ठीक है तो नोट डाउन कर लेंगे तो इट विल बी मच बेटर. एग्जांपल देखते हैं कुछ देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल C2H6 इज इथेन एवरीवन नोज दैट. C2H4 इथीन एंड C2H2 इथाइन. बनाते हैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर. C2H6 का कुछ ऐसा बनेगा. C2H2 का विल बी समथिंग लाइक दिस एंड CH का कुछ ऐसा बनेगा. नीचे बना लेती हूँ. ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है CC ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है हाइब्रिडाइजेशन अगेन चारों क्राइटेरिया. पहला क्या है हाइब्रिडाइजेशन देखो सेंट्रल एलिमेंट कौन है हमारा. सेंट्रल एलिमेंट है हमारा कार्बन. ठीक है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे किसी का भी एक का देख लो क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्स सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन भी सभी का सेम ही आने वाला है. सो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा दिख रहा है मुझे 1, 2, 3, 4 लोन पेयर एक भी नहीं है. सिग्मा बॉन्ड 4 है. स्टेरिक नंबर कितना हो गया स्टेरिक नंबर हुआ 4. स्टेरिक नंबर हुआ 4. हाइब्रिडाइजेशन हुआ कौन सा sp3. ठीक है सो यहाँ पर अगर बात करूँ तो भाई डबल बॉन्ड बना है. एवरीवन नोज एक सिग्मा एक पाई सिखाया है IVBT देखें. ठीक है यहाँ पर बना है ट्रिपल बॉन्ड सो एक सिग्मा दो पाई. सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन आया sp2. यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक सिग्मा दो सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन आया sp. सो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन तो फाउंड कर लिया. और भाई इत्तफाक से हाइब्रिडाइजेशन तीनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन का डिफरेंट है. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही बताया था जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp 180 उसका बॉन्ड एंगल होगा. इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा 180. इसका बॉन्ड एंगल होगा 120. आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्री इसकी प्लेनर दिखाई पड़ रही है मुझे. ठीक है उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. बॉन्ड एंगल होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली बताया था 109 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास. ठीक है सो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल मुझे किसका दिखाई पड़ रहा है सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है इथाइन का. ठीक है हाइब्रिडाइजेशन sp के साथ. उसके बाद दिख रहा है इथीन का और सबसे कम बॉन्ड एंगल मुझे दिख रहा है इथेन का. सो रीजन लिखें सभी जगह पर रीजन लिखें है ना. रीजन इज हाइब्रिडाइजेशन ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. सो इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हम ऐसे ले सकते हैं. ठीक है यहाँ पर तो ये सिंपल था एकदम इजी सा क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व हो गया. और भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो कि आगे हमें और पॉइंट्स देखने का मौका मिलेगा जिसमें हम लोन पेयर कंपेयर कर पाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट भी कंपेयर कर पाएंगे. देखते हैं अगला क्वेश्चन. ठीक है ना नेक्स्ट बात करते हैं. बहुत ही फेमस एग्जांपल
बताया था लास्ट वीडियो में भी लिया है मैंने ये एग्जांपल मीथेन अमोनिया और पानी के बारे में. ठीक है मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं. मीथेन की बात करूं सो स्टेरिक नंबर निकाल पाओगे आप सिग्मा प्लस लोन पेयर. सिग्मा है चार लोन पेयर है जीरो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3. ठीक है अमोनिया अगर ड्रॉ करूँ तो अमोनिया के अंदर 1 2 3 4 5. ठीक है सिग्मा प्लस लोन पेयर स्टेरिक नंबर निकाले. सिग्मा है तीन लोन पेयर है 1 स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन अगेन हमारा फेवरेट sp3. पानी की बात करूँ ऑक्सीजन विल बी द सेंट्रल एलिमेंट 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 और 2 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3. अब भाई हाइब्रिडाइजेशन तो तीनों का आ गया सेम. फर्स्ट पॉइंट तो नॉकआउट हो गया. बात करो सेकंड की क्या थे. चार थे पहला हाइब्रिडाइजेशन दूसरा लोन पेयर. ठीक है दूसरे पे जाएंगे लोन पेयर चेक करो. इसके पास है लोन पेयर 0 इसके पास है 1 इसके पास है 2 यानी लोन पेयर्स किसके पास ज़्यादा हैं. लोन पेयर है सबसे ज़्यादा पानी के पास उसके बाद अमोनिया के पास मिथेन के पास 0 इसके पास 2 लोन पेयर इसके पास 1 इसके पास 0. क्या बताया था जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कैसा था कम था. तो लोन पेयर किसके पास ज़्यादा है पानी के पास. तो लोन पेयर रिपल्शन किसको मिलेगा पानी को. तो बॉन्ड एंगल कम किसका होगा पानी का. सो लोन पेयर का ऑर्डर ये है तो पानी का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा यानी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा मिथेन का अमोनिया का फिर आएगा पानी का. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. अगर आपको याद है लास्ट वीडियोज़ में मैंने इनकी वैल्यूज़ भी लिखवाई थी आपको. इसका एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट होता है. इसका कुछ अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री के आसपास होता है और इसका अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्रीज के आसपास होता है. ठीक है ये वैल्यूज़ भी याद रखें. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखें. ठीक है ना आज के वीडियो में वेल में इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स कवर करने वाली हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है. ठीक है बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की. लाइक अमोनिया की फैमिली पे बात कर लेते हैं. अमोनिया के हाइड्राइड्स पे बात मतलब नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स पे बात कर लेते हैं. हाइड्राइड्स यानी समझते होंगे आप लोग हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं. लेते हैं कौन सा थर्ड एग्जाम्पल NH3, PH3, ASH3, SbH3. ठीक है ना NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3. सबसे पहले अगेन वही चीज़ क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे. बनाते हैं NH3 बनाया नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर PH3 सेम थिंग 1 लोन पेयर. ASH3 के केस में भी वही होने वाला है क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर है ना पास सब बिंदास. ठीक है ना पता होगा आप लोगों को नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं. SB के साथ भी सेम 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर. स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे दिख ही रहा है यार सब सेम आने वाला है. स्टेरिक नंबर सभी के पास 3 3 बॉन्ड पेयर 1 1 लोन पेयर. सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आने वाला है. आई होप अब आप लोग कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे. ठीक है ना तो हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म. हम बात करते हैं लोन पेयर के बारे में. सबको दिख रहा है 1 1 लोन पेयर सभी के पास हैं. सबके पास नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो सेकंड क्राइटेरिया भी गया फर्स्ट क्राइटेरिया भी गया. सो आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. ठीक है ना क्या था हमारा नेक्स्ट वाला. हमारा नेक्स्ट वाला था सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है क्या बताया था भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट अगर ज़्यादा होगी सो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा ज़्यादा. ये वाला क्राइटेरिया काम आने वाला है यहाँ पे. ठीक है ना अब किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो एवरीवन नोज दैट नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी डाउन द ग्रुप आप जाते हैं सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. ठीक है यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे नाइट्रोजन की क्योंकि वो ऊपर है सेकंड पीरियड है. ठीक है ऊपर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी. सो NH3 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बॉन्ड एंगल और SbH3 का सबसे कम होना चाहिए. क्या कह रही हूँ मैं NH3 का सबसे ज़्यादा फिर PH3 फिर ASH3
फिर SBH3 देखो बता रही हूँ, वैल्यूज भी बता रही हूँ, NH3 का अभी बताया था कुछ 107 के आसपास होता है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 107 के आसपास होता है, और PH3 का होता है कुछ 93 के आसपास, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं ये, ASH3 का 92 के आसपास होता है और SBH3 का कुछ 91 के आसपास होता है, ठीक है ना। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रहा है, लोन पेयर भी सेम आ रहे हैं, फिर जो हमारा बॉन्ड एंगल है उसमें इतना वास्ट डिफरेंस क्यों आ रहा है, यानी एकदम इसका 107 और इसका 93 ऐसा क्यों, देयर इज अ रूल, ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, अभी सिर्फ बता रही हूँ, देयर इज अ रूल कॉल्ड ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल बोलकर एक रूल होता है जिसके कारण ये एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, किसके अंदर, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, इसीलिए बोला था एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन है, याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या होता है, बॉन्ड एंगल लाई करता है किसके बीच में, 93 से 94 से 90 किसी किसी बुक में लिखा होता है, किसी किसी बुक में 93 से 91 लिखा होता है, ठीक है ना। सो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं बॉन्ड एंगल्स में, अमोनिया का 107 के आसपास होता है, इनका कुछ 90s में होता है, याद रखें उसको, ठीक है। कौन सा रूल है, फिर बता रही हूँ कौन सा रूल है, ड्रैगोज रूल नाम का रूल है, क्या है रूल अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। सो ये बात हो गई किसकी, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की, ठीक है। और कुछ अच्छे एग्जांपल्स डील कर लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, या पहले ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी ऐसे ही ड्रैगोज रूल आता है। कौन सा एग्जाम्पल होगा भाई, फोर्थ एग्जाम्पल होगा, ठीक है। सो फोर्थ एग्जाम्पल होगा, आई होप अब विजिबल होगा से सही से, ठीक है ना, देखते हैं, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ठीक है, वही ओसामा से तालिबान की बोल खुली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना, उसके हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स देखते हैं, बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर, H2O, H2S, सल्फर विल बी द सेंट्रल एलिमेंट, H2SE, सेलिनियम एंड H2TE, टेलीयूरियम, ठीक है। सेम तरह का स्ट्रक्चर सभी के पास, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि फैमिली क्या है, सेम है, ठीक है ना, यानी सभी का हाइब्रिडाइजेशन अगेन सेम, सभी का SP3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है यहाँ पे। सो फिर वही बात, हाइब्रिडाइजेशन के नॉट बी द क्राइटीरिया, ठीक है। लोन पेयर की बात करूँ, सो इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है, लोन पेयर सभी के पास सेम दिख रहा है। सो अब मुझे बात करना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सो एवरीवन नोज, अब भी बताया था मैंने, जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। नाइट्रोजन फैमिली में भी वही हुआ था, ऑक्सीजन फैमिली में भी वही होगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो उसके हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, यानी H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होने वाला है, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ वर्ड, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रैगोज रूल आता है, ठीक है, इसका भी बॉन्ड एंगल कुछ अभी बताया था कितना, अप्रॉक्सीमेटली 105 डिग्री के आसपास, और इन लोगों का लाई करता है कहाँ से कहाँ, वही 94 डिग्री से 91 डिग्री के आसपास, यहाँ पर भी ड्रैगोज रूल। फिर ये ड्रैगोज रूल है क्या चीज़ भाई साहब, तो ड्रैगोज रूल क्या चीज़ है अभी बताया था, अगले बार बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। और सिर्फ यही दो, यानी यही छह कंपाउंड्स है, कौन से छह कंपाउंड्स, PH3, ASH3, SBH3 और कौन, H2S, H2SE, H2TE, जिनके अंदर क्या आता है, ड्रैगोज रूल, बाकी किसी के अंदर ड्रैगोज रूल नहीं आता, रट लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगेन आई होप ये समझ में आया होगा, किसके किसके हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स एंड ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स। दो और थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे जाएंगे, और बाकी जेई नीट में भी बहुत बार पूछा गया है ये, ईथर का और पानी का बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, ठीक है ना। कौन कौन, ईथर और पानी, आई होप पता होगा आप लोगों को ईथर क्या चीज़ होती है,
ऑक्सीजन को जब आप दो अल्काइल ग्रुप्स लगा देते हैं तो बनता है ईथर, ठीक है। कौन से नंबर का एग्जांपल? फिफ्थ नंबर का, ईथर और पानी। इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। दो मिथाइल है तो इट इज डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। बनाएंगे इसको कैसे बनाएंगे? सो ऑक्सीजन सेंट्रल एलिमेंट और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लग गए, फिर वही बात, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, हाइब्रिडाइजेशन अगेन सेम यार, लोन पेयर भी अगेन सेम, दो दो लोन पेयर, सेंट्रल एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता, सेम ही होने वाली है। अब क्या देखना पड़ेगा, फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? टर्मिनल एलिमेंट्स के साइजेस, ठीक है। सो टर्मिनल एलिमेंट में यहाँ कौन है? हाइड्रोजन है, छोटू सा बेचारा, 1s1 होता है, एक ही शेल होता है उसके पास। और अगर यहाँ पर देखूँ तो मिथिल ग्रुप, मिथिल पूरा ग्रुप है, इट इज अ बंच ऑफ एटम, ठीक है ना, टेट्राहेड्रली इस तरीके से एटम्स अरेंज होंगे, ये देखें आप। सो बल्की ग्रुप है, इट इज कॉल्ड, काफ़ी बड़ा होता है, दिस ग्रुप इज बल्की। बल्की यानी क्या होता है? बल्की यानी ऐसा बड़ा है साइज में, ठीक है। सो आप यहाँ पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन पिल्लू से लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं बड़े बड़े दो मिथिल ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो मिथिल ग्रुप में होने वाला है भारी रिपल्शन, ठीक है ना। सो अब जब यहाँ पे इनमें रिपल्शन होगा तो क्या होगा? तो ध्यान से देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है इनमें रिपल्शन, सो वो रिपल होके क्या हो चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो जब दूर चले जाएंगे सो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ऐसा फैल जाने वाला है। सो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? काफी बड़ा हो जाएगा। इससे समझ में आता है कि ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा? CH3OCH3 बॉन्ड, ये ऐसा फैल जाने वाला है जिससे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, यानी जो हमारा CH3OCH3 बॉन्ड है वो काफी ज्यादा होने वाला है किससे? HOH, इस वाले बॉन्ड से, यानी HOH से इसका बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ सिंपल कि भाई मोर आर द बल्की ग्रुप्स, जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स लगेंगे बॉन्ड एंगल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी को लगाएं इसके अगले एग्जाम्पल पे, इसी चीज को लगाएं, पानी लें, साथ में लें डाइमिथाइल ईथर, फिर एक जगह ले लें मिथाइल, एक जगह ले लें इथाइल, फिर एक काम करें दोनों जगह ले लें इथाइल C2H5। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जब मैंने पानी लिया है HOH लिया है, ठीक है। सो HOH में दोनों जगह क्या है? हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, यहाँ पे क्या है? मिथाइल कंपैरेटिवली बड़ा है, यहाँ पे और एक साइड और बड़ा ग्रुप लग गया और यहाँ पे दोनों साइड काफी बड़े ग्रुप लग गए, ठीक है। सो किसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा? तो भाई जहां ज्यादा बड़े ग्रुप लगे होंगे उनका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, कहाँ पर है? इथाइल में। सो डाई इथाइल ईथर यानी जहां दोनों साइड इथिल लगे हुए हैं उसका बॉन्ड एंगल काफी बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में? जहां एक साइड इथिल लगा है और एक साइड मिथिल लगा है, इनसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? जहां दोनों साइड मिथिल लगा है, और सबसे छोटा किसका होगा? जहां दोनों साइड वाटर लगा है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट? दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन ईथर्स एंड वाटर, सही है। सो वैसे तो कुछ और एग्जांपल्स भी डील करना चाह रही थी मैं, बट आई गेस काफ़ी बड़ा हो गया है लेंथ, ठीक है ना, वीडियो का। सो इसको यहाँ पर ही मैं स्टॉप करती हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगी बट अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। एक बार सम अप कर देती हूँ, आज जो चार चीज़ें बताई मैंने आपको, पहली हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लोन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड चौथा साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है ना। इन चारों को इसी सीक्वेंस में हमें लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई कैन अश्योर यू कि आपसे 90% ऑफ द क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जो पूछे जाएंगे वो आराम से बन जाएंगे सिर्फ इन चार पॉइंट्स के बेसिस पे, ठीक है ना। तो और भी जो नहीं रहते हैं अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।